इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन को। आपको याद होगा कल अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि ये कानून तो आकर ही रहेगा, और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कैबिनेट की तरफ से भी इस कानून को मंजूरी दे दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लेकर आएंगे, और अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। हमारे संवाददाता हिमांशु का सीधा रुख करते हैं। हिमांशु, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और क्या क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, आज क्योंकि कल गृहमंत्री अमित शाह ने ये भी कहा और पहले भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी इलेक्शन को जो है वो मंजूरी दी जाएगी, और अब आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को जो है कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। आशुतोष, जल्द ही सदन के पटल पर भी रखा जा सकता है क्या आने वाले विंटर सेशन में? देखिए, बिल्कुल, अगर कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है तो ये माना जा सकता है कि जो शीतकालीन सत्र होगा, विंटर सेशन होगा, उसमें जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है सरकार बिल लेकर आएगी, पास कराया जाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि जब ये बिल आए उसमें बहुत से कुछ संशोधन या विपक्ष की तरफ से मांग की जा सकती है कि इस बिल को जो है ज्वाइंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को जो है वो भेजा जाए, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी जो है पार्लियामेंट मिनी पार्लियामेंट होती है उसके लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अब क्योंकि अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो विंटर सेशन में जो है वो इस बिल को जो है वो शीतकालीन सत्र में जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। मतलब ये क्या कंफर्म कर दिया गया है कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, शीतकालीन सत्र, क्योंकि अगर बिल आप लाए हैं तो आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो जो अपकमिंग संसद सत्र होता है उसमें सरकार को ये बिल जो है वो लाना होता है, और ऐसे में सरकार की मंशा कोशिश जरूर रहेगी कि जो शीतकालीन सत्र है उसी में इस बिल को जो है संसद के दोनों सदनों से जो है वो पारित करा लिया जाए। अंशु, इस बिल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्या क्या प्रावधान इसके भीतर हैं, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जो हम लोगों को जो जानकारी मिली है, जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी की रिपोर्ट थी उस कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद जो है एक बिल लेके आया गया है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो कंसल्ट डिपार्टमेंट होंगे लॉ मिनिस्ट्री से जो इस बिल के, उनसे भी बातचीत की गई होगी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें सहमति और असहमति यानी डिसेंट जो है वो लिया गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो उस बिल को जब सरकार लेके आई है तो उसमें क्या क्या नए क्लॉजेस होंगे, क्या नई चीजें होंगी, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें विपक्ष को कई चीजों पर आपत्ति हो सकती है। लेकिन सरकार की ये मंशा जरूर रहेगी कि संसद के जो शीतकालीन सत्र है उसमें दोनों ही सदनों से जो है वो इसको पारित करेंगे। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, लेकिन अब ये भी बताइए, आम इंसान के लिए, हमारे लिए और देशवासियों के लिए, ये अभी हालांकि पूरी बात नहीं सामने आई आ पाई होगी, किस तरह से होगा? सारे विधानसभा एक साथ, लोकसभा एक साथ, सब एक साथ हो जाएगा, एक ही प्लान आएगा और कई चरणों में एक साथ खत्म, कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तो यही कहा जा सकता है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ हो, और उसको उसके लिए ये बिल लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जब कानून तैयार हो जाएगा और देश इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे चुनाव होंगे तो देश की जो विकास गति है उसको और स्पीड मिलेगा, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं पांचों साल जो है वो चुनाव चल रहे होते हैं, विधानसभा के चुनाव चल रहे होते हैं या नगर पालिका के या निकाय के या ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे होते हैं, तो विकास का कार्य जो है वो ठप रहता है उन दिनों जब चुनाव चल रहा होता है, क्योंकि आचार संहिता लगी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने कई बार इस बात को कहा था, और अब क्योंकि सरकार इसको बहुत आगे आ गई थी और एक कमेटी का गठन किया गया, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, चुनाव आयोग से इसमें जो है सजेशन लिए गए, तमाम लीगल एडवाइस ली गई है, और उसके बाद अब ये बिल लाया गया है। हो सकता है
कि अब देखना यह है, क्योंकि कैबिनेट से अप्रूव के बाद जब संसद में ये बिल लाया जाए और संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या 50% से ज्यादा जो राज्य है वहां से भी इसको इसकी संस्कृति जरूरी है, ये एक देखने वाला विषय जरूर है। ठीक है हिमांशु। हिमांशु, आपको लगता है कि ये अब हो गया है तो इसका कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है? आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि नहीं ठीक नहीं है? आगे आप इस पर जी सही, बहुत से राजनीतिक दलों ने इसको लेकर जो है वो कई शंकाएं जताई थी। उसमें अगर आप देखें तो एक साथ पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो, तो ऐसे में अगर किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या गठबंधन की सरकार चलती है, तो गठबंधन की सरकार में जो सहयोगी दल है अगर वो अपना समर्थन वापस ले ले तो उस स्थिति में क्या होगा? ये तमाम कई सवाल है जो इस जब ये बिल लाया जाएगा तो उसमें ये साफ हो जाएगा कि सरकार इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1967 के बाद से, जब वन नेशन वन इलेक्शन जो है 1967 तक हुए हैं और उसके बाद से जो है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि गठबंधन की सरकारें जो है चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में वो बनती रही हैं और समर्थन देने और लेने से सरकारें जो है वो टूटती भी रही हैं। तो एक तरीके से सरकार का कार्यकाल को कैसे फिक्स किया जाएगा जिससे पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो पाए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य प्रदेश में जो है वो अगर वहाँ गठबंधन की सरकार है और जो गठबंधन के साथी दल अगर उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया तो ऐसे में सरकार का कैसे जो है वो रहेगी या वहाँ पर उपचुनाव कैसे कराए जाएंगे, तमाम बड़े विषय होंगे जिनको लेकर पूरी समिति की जो रिपोर्ट है उसमें ये बिंदुवार जो है ये सारी जानकारियां हैं। और अब देखना यह है सरकार इस बिल को किस रूप से लेके आएगी, लेकिन इतना जरूर है सदन के अंदर या संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए कड़ी चुनौती भी साबित होगा। अच्छा हिमांशु, ये तो राजनीतिक दलों की बात हो गई जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? खर्च कम होगा, हर चुनाव में जो अनाप शनाप खर्चा होता है वो कम होगा और देश को कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा आर्थिक तौर पर? देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे लोकसभा और राज्यसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव, तो उससे एक जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें चुनाव आपको कराने होते हैं जिसमें 2 से 2.5 महीने का एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर उस दरमियान चुनाव हो जाते हैं तो और बाकी समय जो है आपको किसी भी चुनाव में नहीं जाना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे मान लीजिए अभी ही जम्मू कश्मीर और साथ में हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अब से कुछ दिन पहले यानी 4 जून को जो है वो समाप्त हुए थे लोकसभा के चुनाव, और अब यहाँ तो हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 2 बार जो है वो आचार संहिता लगी है। तो अगर आप मार्च के अंदर जब आचार संहिता लगी और सरकार के गठन तक जो है आचार संहिता लगी रही, पूरे देश में कोई नीति निर्णायक फैसला नहीं ले सकती है कोई भी राज्य सरकार या कोई भी सरकार जो है वो कोई नई योजना या कोई नई पॉलिसी नहीं लेके आ सकती है, तो ये तमाम चीजें होती है जिससे विकास के कार्य जो है वो रुक जाते हैं। हिमांशु, शीतकालीन सत्र में बताया जा रहा है लेकर आने के लिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहां पर विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं उनके टर्म्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, कार्यकाल उनके पूरे नहीं हुए, वहां वो चीजें फंसेंगी, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा? देखिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी चीजें अभी बहुत सी जब ये बिल आएगा तब क्लियरिटी होगी कि सरकार किस तरीके से इस कानून को जो है वो लागू करेगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में एक स्पेशल सत्र के दौरान लाया गया, लेकिन वो लागू जो है वो डिलिमिटेशन और के बाद होगा, यानी 2027 के बाद जो है वो महिला आरक्षण कानून जो है वो लागू हो सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन में कौन सी महिला सीटें होंगी और डिलिमिटेशन में कितनी सीटें बढ़ेंगी उसके बाद तय होगा। लेकिन सरकार ने जो बिल है महिला आरक्षण बिल जो है वो सितंबर 2023 में ही पास कर लिया था, तो उसके लागू होने की क्या समय सीमा रहेगी, कब लागू होगा, ये सब जो है उस बिल के साथ तय होगा। महिला आरक्षण बिल जब लाया गया था तो यही कहा गया था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 33% आरक्षण के लिए उसमें प्रावधान था, लेकिन वो कांग्रेस के सांसद हमारे साथ सहारनपुर से इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान जी, अब एक देश एक चुनाव,
आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके नारे और खोखली बातें समझ में आती हैं। कभी कोई नारा दे देंगे, कभी कोई। अभी वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव होगा, किस तरह संभव होगा? लोकतंत्र के अंदर ये फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? ये पूरा जो स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट के होंगे, किस तरह से आप कराएंगे? लोकतंत्र के अंदर छोटे से बड़े सारे इलेक्शन है। कैबिनेट से पास हो गया, अब वो कर दिया इन्होंने पास, पता नहीं अब ये इन्होंने क्या करेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता इनकी बातें। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी फिर रहेगी इमरान जी आगे? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी तो कांग्रेस के अंदर जब बैठ करके बात होगी पार्टी में, तभी प्लान होगा। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता, जो मेरी समझ है वो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से होगा। पंचायतों के भी इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन का आप शगुफा छोड़ रहे हो, स्टेट के इलेक्शन है, अलग अलग टाइम के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, और जो कई स्टेट के अंदर बीच में इलेक्शन के तो सरकार गिरने की नौबत आती है, मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है, उससे उसमें क्या होगा? लोकतंत्र के अंदर खूबसूरती यही तो थी जो हमने बनाया था। ये तो हर चीज के, कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात करेंगे, कभी किसी चीज के साथ, इनका तो यही काम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जी हमसे बात करने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और आगे उस पर राजनीति जरूर होगी, जैसा कि दिख भी रहा है कांग्रेस का रिएक्शन देखने के बाद।